मोटिवेशनल स्टोरी के इस भाग में ऐसे व्यक्तियों के जीवन प्रसंगों को लिया गया है जो सचमुच आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करते हैं तथा आपकी स्वस्थ ऊर्जा को पुनः जागृत करते हैं, उन्हें प्रगति पथ पर प्रशस्त होने के लिए हिम्मत प्रदान करते हैं। वस्तुतः सफल व्यक्तियों की सोच होती है जब हम विषम परिस्थिति में सफल होने वाले साधारण व्यक्तियों की कहानी पढ़ते हैं तथा सुनते हैं, तो इन मोटिवेशनल कहानियों से मिलने वाली प्रेरणा हमारे मन मस्तिष्क में ऊर्जा भर दे, हमें सफलता की बुनियादों को छूने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए आप कहानियाँ सुनते रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें। नैतिक शिक्षा का महत्व। आचार्य विनोबा भावे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों मत मतांतरों के साहित्य का अध्ययन किया था। बड़े बड़े शिक्षाविद ज्ञान का लाभ अर्जित करने उनके पास आया करते थे। विनोबा भावे जी संस्कारों को सबसे बड़ी धरोहर मानते थे। एक बार महाराष्ट्र के किसी विद्यालय में उन्हें आमंत्रित किया गया। विनोबा जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने प्राचार्य से बातचीत के दौरान पूछा, विद्यालय में किस किस विषय के अध्ययन की व्यवस्था है। उन्हें बताया गया कि विभिन्न भाषाओं, गणित, विज्ञान तथा अन्य विषयों का अध्ययन कराया जाता है। विनोबा जी ने पूछा, क्या छात्रों को नैतिक शिक्षा देने की व्यवस्था है। उन्हें बताया गया कि ऐसी व्यवस्था नहीं है। विनोबा जी ने पूछा, क्या छात्रों को केवल धनार्जन के योग्य बनाने की शिक्षा देना ही पर्याप्त है। क्या उन्हें सच्चा मानव, सच्चा भारतीय बनाना आवश्यक नहीं समझते। यदि छात्रों को अच्छे संस्कार नहीं दिए गए, उन्हें अच्छा मानव बनाने का प्रयास नहीं किया गया, तो युवा पीढ़ी अपनी प्रतिभा व शक्ति का राष्ट्र व समाज के हित में ही सदुपयोग करेगी, इसकी क्या गारंटी है। मेरे विचार में तो सबसे पहले बच्चों व युवक युवतियों को आदर्श मानव बनाने के अच्छे संस्कार दिए जाना चाहिए। संस्कारहीन व्यक्ति तो धन पिशाच बनकर समाज को गलत दिशा में ही ले जाने का कारण बनेगा। विनोबा जी की प्रेरणा से विश्वविद्यालय में छात्रों को नैतिक शिक्षा दी जाने लगी। धन्यवाद। यह कहानी भोजन से पहले भजन। वृंदावन के आश्रम में संकीर्तन का कार्यक्रम चल रहा। हरि बाबा घंटा बजाकर हरी बोल की ध्वनि के बीच मस्त होकर झूम रहे थे। विरक्त संत उड़िया बाबा स्वयं भगवत नाम के संकीर्तन का आनंद ले रहे। अचानक 4-5 व्यक्ति वहां पहुंचते। उन्हें देखते ही उड़िया बाबा समझ गए ये लोग बीमार और भूखे हैं। शायद कई दिनों से उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। उनकी दयनीय स्थिति देखकर बाबा की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह एकाएक संकीर्तन से उठे और उन भूखे बीमार दरिद्रों को लेकर आश्रम में चले गए और एक सेवक से बोले, इन सबको कमरे में बिठाकर भोजन कराओ। उन्होंने स्वयं अपने हाथ से उनको भोजन परोसा तथा भर पेट खिलाया। बाबा ने एक वैद्य को संकेत कर उन्हें दवा भी दिलवाई और उनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था कराई। हरि बाबा इस बात से हतप्रत हो उठे कि उड़िया बाबा पहली बार संकीर्तन के बीच में छोड़कर वहाँ से क्यों गए। उन्हें यह बहुत आश्चर्यजनक लग रहा था। वे उनके पास पहुँचे और पूछा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया। उड़िया बाबा उनसे बोले, भजन व संकीर्तन आदि तभी सार्थक होते हैं जब उपस्थित लोगों में से कोई भी भूखा प्यासा ना हो। ये लोग भूखे थे और मैंने इन्हें भोजन कराकर तृप्त कराया। उड़िया बाबा उठे और पुनः संकीर्तन स्थल पर पहुंचकर संकीर्तन का आनंद लेने लगे।